आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, इसके क्या समीकरण मानते हैं? या नागौर हमेशा क्या है कि संघर्ष को मानते हैं नागौर के लोग। हमेशा आप उठा के देखेंगे, पिछली बार जब मैं एनडीए अलायंस में था तो आप बीजेपी के वोट कम मान ले मेरे, और क्या है, 2.5-3 लाख वोट कम हो गए। तो इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस हो, 2.5-3 लाख वोट बढ़ गए, तो जीत का अंतर उतना ही रहना है। 3-3.5 लाख वोट जो मिले वो इस बार कांग्रेस पार्टी वाले मिल जाएंगे, जाट मुस्लिम एससी और ओबीसी। मुझे तो ब्राह्मण बनिया आपका जैन राजपूत और दूसरी ओबीसी कम्युनिटी भी वोट डाल रही, सारे के सारे सर्व समाज हनुमान बेनीवाल को भेजना थे। वो चाहते हैं कि दिल्ली में एक दबंग मजबूत व्यक्ति। आज मैंने कल भी आपको कहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार सिर्फ मोदी जी के नाम से वोट मांग रही, उसने खुद क्या किया, 9 से 14 जब थे तो अपना बजट ही खर्च नहीं कर पाई, 5 करोड़ रुपये भूल गई थी। या आज जो नागौर के अंदर आपको जो पुल दिख रहे हैं, फ्लाईओवर दिख रहे हैं, अंडरब्रिज दिख रहे हैं, अच्छी शहर में सड़कें दिख रही चारों तरफ, ये जो मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण, बड़े हाईवे, ये सब हनुमान बेनीवाल के संघर्षों का ही परिणाम है कि सत्ता को ठोकर मार के भी वो लड़ता रहा और नागौर का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ा। इसलिए देश का किसान जवान उसे नौजवान वो आइडियल के रूप में मानता है, और राजस्थान का जवान विशेष रूप से चाहता है कि लोकसभा के अंदर हनुमान जी पहुंचे, और हर व्यक्ति चाह रहा था, प्रयास किया। और मैं इसमें इस बार बड़ा योगदान जो हमारे छोटे कर्मचारी थे, बड़े अधिकारी तो मेरे खिलाफ है करीब करीब, क्योंकि बड़े लोग जो भी हैं चाहे कहीं भी है किसी भी समाज, वो मुझे नहीं चाहते। उनका कारण है कि भाई उनकी दुकानदारी और पार्टनरशिप यहाँ नहीं चल सकती, लेकिन छोटा तबका मध्यम वर्ग हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा है, और पूरी ताकतें लगी हुई थी, लेकिन मैं प्रत्येक जगह गया और मैंने अच्छी तरीके से मोर्चा संभाल रखा था। तो 500 ज़्यादा जो गांवों के अंदर पंचायतों के अंदर मैंने कार्यक्रम किए, जहाँ जहाँ गए भारी बढ़त है, शहरों में भी बहुत अच्छी स्थिति है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पीछे रहूँ, बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीता। सर, जो एग्जिट पोल है उससे क्या लग रहा है, मतलब केंद्र में सरकार वापस भाजपा बना पाएगी? अब ये तो एग्जिट पोल का तो 4 तारीख को पूरा पता, पहले तो एकदम मैं ये क्या कह रहा हूँ, 2004 में एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे थे, लेकिन सरकार यूपीए की बन गई थी उस समय, मैं इसको नहीं मानता। इस बार जहाँ बीजेपी घटेगी वो प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नीचे जाएगी पहले से। और जब बढ़त है ये सही है, उड़ीसा, बंगाल, साउथ के स्टेट आपका केरला, तेलंगाना, आंध्र में कुछ, तमिलनाडु कुछ एक एक दो दो 5-5 सीट इनकी कई स्टेट में बढ़ सकती है। तो मेरा मानना ये है कि 60 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की खुद की कम होगी इन स्टेट के अंदर, 10-15 सीटें बढ़ती हुई दिख रही दूसरे स्टेट। जहाँ तक मेरा एनालिसिस, मैं नहीं कह रहा कि मैं 100% सत्य साबित हो जाऊँगा, लेकिन जो फीडबैक मैंने मेरे हिसाब से लिया वो स्थिति, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ का किसान और जवान इस बार देगा, जो आंदोलनों में आगे था, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे अग्निवीर का आंदोलन हो, तो यहाँ के जवान और किसान ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। ठीक है सर।